मेरा जनाजा बादशाह पढ़ेंगे। तवज्जो मतलब मेरा जनाजा बादशाह पढ़ेंगे। मेरे जनाजे पर पूरी कौम होगी, पूरी सल्तनत होगी। उसकी बीवी कहती थी जो काम करते हो ऐसा होगा तुम्हें। क्या काम करता था? एक लाश पड़ी थी चौराहे पर, कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं था। और से सुनिएगा, इसमें बहुत मैसेज है। चौराहे पर पड़ी थी, कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह अपनी उस सल्तनत में, उस रियाया में फेस बदल कर गुजरता था, देखता था कि मेरी रियाया का हाल क्या है। तवज्जो है मदरा सारे क्या देखते हैं? लाश पड़ी है, उसे कोई उठाने वाला नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं, उसको कोई दफनाने वाला नहीं, कोई गुस्ल देने वाला नहीं। मुसलमानों का शहर अंबिया के बाद का वाक्य है। अंबिया ताजा दर्श देकर गए, इंसानियत का सुलूक सुलूक देकर सिखला कर गए, लेकिन ये लाश पड़ी है, कोई दफनाता ही नहीं, मुसलमान है। लोगों से पूछता है कि क्या हो गया? कहा ये तीन बड़े गुनाह करता था। हमने देखा कि वो गंदे घर में जाता था, हमने देखा कि ये शराब खाने में जाता था। अब जया बदला था, हमने देखा कि ये गलत जगहों पर जाता था, शराब खाने में जाता था। अच्छा, इसने इस लाश को उठाया, घर लेकर आया। जब घर लेकर आया तो जौजा ने देखा, बड़ा गिरिया करने लगी, रोने लगी। कहा क्यों रो रही हो? कायनात में कोई भी बंदा सल्तनत में रोने के लिए तैयार नहीं है, तू बीवी होकर रो रही है। कहा मैं रो इसलिए रही हूँ कि मैं रो हम से नहीं रही, खुशी से रो रही हूँ। कहा क्यों? कहा आप बादशाह लेकर आए ना, इसने कहा था कि मेरी लाश को बादशाह उठाएगा, मेरी लाश को बादशाह उठाएगा और जनाजा भी कोई बड़े आलिम मिलकर पड़ेंगे और पूरी राया मेरी नमाज जनाजा में शरीक हो गई। कहा ये कहता था? कहा कहता था, पता करता क्या था? कहा ये क्या करता था? जितना भी कमाता था शराब खाने में जाकर के पूरी शराब को लेकर के पानी में बहा देता था। अगर किसी गलत जगह पर जाता था तो वहां पर रकम देकर वो जो अंदर बैठी होती थी ना खातून, उसको समझाता था कि अल्लाह की बंदगी कर, नमाज पढ़, कुरान पढ़। वो जो पैसे देकर आता था उससे उसकी एक रात की जिंदगी बचाता था। करती है और देखने में भी अजीब है, मुर्दा है।
जब देखा कब्रिस्तान में कि एक मुर्दार पड़ा हुआ है और उसका जिस्म ऐसा बिखरा हुआ है, सारे असाब जल्दी से जाने लगे, किसी ने कहा मत हुए, किसी ने कहा इसके देखो तो उसी जिस्म कैसा है, किसी ने कहा देखो तो उसी कीड़े पड़े हुए, किसी ने कहा देखो तो उसी ये है। नबी रुक गए, गौर से सुनिएगा, कभी ऐसा भी सुना गया, खुदा ना कभी ऐसा भी। और ये चीजें आपको मैं कुछ ही चाहता है कि रोजाना ही इस तरह से पढ़ो, लेकिन ये कि कभी ऐसा भी जिक्र किया जाए। बिस्मिल्लाह, नबी रुक गए, वो पास खड़े हुए नबी, बाकी वहां खड़े हुए, या रसूलुल्लाह जल्दी आइए, जल्दी आइए, हमसे रुका नहीं जाता। कहा इधर, क्या काम का, बहुत दूर है। दूसरे से पूछा क्या काम का, जिस्म बिखरा हुआ है। तीसरे से पूछा क्या कहा तुमने, कहा मैंने ये कहा कि देखे तुझे कैसा लाशा पड़ा हुआ है, बदबू है, कीड़े पड़े हुए। अब नबी क्या कहता है, इसके दांत तो देखो कैसे चमक रहे हैं।
तो याद रखना मैं ज़ैनब की वसीयत है, मैं ज़ैनब मैं माँ की वसीयत है, नहर फरात पे जाओ तो पानी न पीना, पानी न पीना, क्यों अलियसदर प्यासा है, पानी न पीना सकीना प्यासी है, बस अज़ादार हो गया गिरिया। ये जुमले जब कह रही थी ना तो ये भी फरमाया औलो मोहम्मद, पता है जाफर तैयार कौन है, पता है अली मुर्तज़ा कौन है, अरे वो तुम उनके पोते भी हो, तुम उनके नवासे भी हो, और मोहम्मद जाफर तैयार और मौला अली यानी मेरे बाप हैदर करार के पोते और नवासे हो, ऐसी जंग करना कि बतला देना कि हम रिश्तेदार हैं जाफर तैयार के हैदर करार के। बस अज़ादारों जैसे ये दोनों शहजादे, एक को अब्बास ने सवार कराया, एक को मौला हुसैन ने सवार कराया, बस अज़ादारों मैं एक जुमला कहूंगा, सारे जितने भी सवार असहाब जाते रहे या जितने भी बनू हाशिम जाते रहे, कोई सवार नहीं कराता था, खुद सवार होते थे, एक को अब्बास ने उठाकर बिठाया, एक को मौला हुसैन ने उठाकर बिठाया। जैसे ही मैं तारीख लिखती है जब बैठते थे तो रकाब में पैर और पांव आता था, लेकिन और मोहम्मद ये कि पांव ऊपर थे, घोड़े की रकाब नीचे थी, न जाने कैसे तलवार लेकर और मोहम्मद बैठे होंगे, मां ने सिरा तो नहीं बैठ सके ना। एक रिवायत में उलमा से सुना सफेद कुर्ता शहजादी ज़ैनब ने पहना कर भेजा, जैसे शहजादे जंग करने के लिए गए ऐसी तारीख रकम की। इतने